अंबेडकर नगर जिला कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में सूबे के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने आज विभागीय के सभी अधिकारियों से विकास कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विकास कार्य से संबंधित सभी अधिकारियों से जायजा लिया और सभी कार्यों को सफलतापूर्वक करने को सख्त निर्देश दिए। सभागार कक्ष में मीडिया बंधुओं से प्रतिवार्ता के सापेक्ष प्रभारी मंत्री ने सड़क व राजस्व विभाग को लेकर दिए सख्त निर्देश और किसान लाभार्थी को सिंचाई इंजन वितरण व महिलाओं को सिलाई मशीन वितरण कर सम्मानित किया और कहा कि आज की ये योजना सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजना है। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी अविनाश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा, सूचना अधिकारी संतोष कुमार त्रिवेदी व जिले के आलाधिकारी मौजूद रहे। आज अम्बेडकर नगर में विकास कार्यों की, उसी के साथ साथ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनके सबके विकास की समीक्षा की गई। संबंधित विषयों पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया गया है कि जो कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं उनको समय सीमा के अंतर्गत उस काम को पूरा कराना है, गुणवत्ता युक्त कराना है और उसको अति शीघ्र पूरा करा के कार्यदायी संस्थाएँ उनको हम लोग करें। उसी के साथ साथ जो हमारी जन कल्याणकारी योजना है केंद्र की प्रदेश की, उनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय, बिजली के विद्युतीकरण की कार्रवाई और जो हमारे ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण है, देशीय स्थलों का निर्माण है, उन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।